आ रहे थे तो लाके पकड़ के दिया था, फिर कैसे जानते हैं उसको, कैसे जानते हैं? सचिन तेंदुलकर रिश्तेदार, अरे भैया क्या जानते हो उसके बारे में बताओ ना। अच्छा क्रिकेटर थे, एक क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और है भी, क्योंकि आज उनके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला कोई नहीं। अच्छा सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट क्यों खेला, क्यों खेला सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट? क्योंकि उसको अच्छी तरह से खेल सकते थे सर। क्या पैदा होते ही स्कूल में जाते ही लोगों के संपर्क में आते ही उनको सब पता था कि केवल क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट के मुकाम तक पहुंचना उनको सब पिक्चर क्लियर थी? अरे दोस्त जब सचिन तेंदुलकर भी हमारे आपकी तरह रहे होंगे तो उनके दिमाग में बात होगी कि मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है, रही होगी कि नहीं बात? हर आदमी का सपना होता है, हर आदमी का विचार होता है, प्लानिंग होती है, उसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बनना है और हर आदमी चाहता है कि लाइफ में बड़ा बनूं, मेरा नाम मान सम्मान हो देश विदेश जो भी उसकी सोच हो पूरी हो, लेकिन ये पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई काम करना पड़ता है, कोई ना कोई काम करना पड़ता है। यानी कि जिंदगी में सक्सेस होना है, उस सक्सेस होने के लिए उसे कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। बहुत सारे लोग नौकरी को भी माध्यम बनाते हैं। नौकरी क्यों करते हैं लोग? जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए भी लोग पैसे कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने भी क्रिकेट खेला, अपनी जिंदगी बदलाव यानी पैसे, तो क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के लिए क्या बना, क्या बना? माध्यम बना। यहां पर कोई है ऐसा जो सोचता है वो भी अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है? कोई है यहां पर? और बाकी लोग पहले से बने हुए। अगर आप जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए।